युग हड़बड़ाहट में पूछता है, कैसे? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार देख, इस ड्राफ्ट से मुझे एक बात समझ आ गई है, और वो ये है कि यदि हमें यक्षिणी के अभिशाप का पता लगाना है तो पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये भक्षानर कौन था और ये क्या चाहता था। हो ना हो, जितना मुझे लगता है उस हिसाब से यक्षिणी के अभिशाप और ये भक्षानर में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। कायर अभिमन्यु की बात से सहमत होते हुए कहता है, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, पर ये भक्षानर था कौन और उसके बारे में कैसे पता करेंगे? अभिमन्यु परेशान होते हुए कहता है, अब वही तो सोचना है यार कि ये भक्षानर के बारे में कैसे पता लगाएं। कोई कुछ सोच पाता कि भक्षानर के बारे में कैसे पता लगाना है, उससे पहले ही कछुए का मोबाइल बजने लग जाता है। कछुआ अपना फोन उठाते हुए कहता है, हाँ माँ बोलो। अच्छा कब रखी थी? आज ही की है क्या? अभी आना पड़ेगा? अरे मैं ये अभिमन्यु के घर पर हूँ। हाँ ठीक है, आता हूँ मैं। हाँ आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, सीधे वहीं पर पहुंच जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ निकल ही गया मैं बस यहाँ से। इतना कहकर कछुआ फोन रख देता है। जैसे ही कछुआ फोन रखता है, कायर फटाक से बोलता है, अभी कछुए तूने आंटी जी से झूठ क्यों बोला कि तू अभिमन्यु के घर पर है? कछुआ कायर को घूरते हुए कहता है, झूठ नहीं बोलता तो क्या बोलता, मम्मी से ये थोड़ी बोलता कि मैं ग्रेवयार्ड कोठी में रुका हुआ हूँ। अगर उन्हें ये बात पता चल जाती ना तो वो तो मुझे कभी घर से ही नहीं निकलने देती, कहती दिन भर घर में ही रहे, घर से बाहर निकलने की सोचना भी मत वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तुझे पता तो है गांव में यक्षिणी का कितना खौफ है, और हम है कि उसी खौफ की कोठी में अपनी रातें गुजारते हैं। वो तो शराब का सहारा है, वरना पता नहीं अभी तक क्या हो जाता हमारे साथ। कायर उदास होते हुए कहता है, हाँ वो तो है, पर क्या कर सकते हैं, फ्री की पीने में जितना मजा आता है उतनी अपने पैसे में पीने में थोड़ी ना मजा आता है। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ अपने एक दो कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, अरे ये बातें करना छोड़ और जल्दी रोंका मुचा गांव में चल। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, रोंका मुचा गांव में चलना है, पर क्यों? हम तो बिंदु की दुकान पर जाने वाले थे ना नाश्ता करने के लिए। कछुआ अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, जाने वाले तो थे पर अब नहीं, माँ बोल रही थी कि गांव में मीटिंग बैठी है जो आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगी, उससे पहले मुझे वहां पर पहुंचना होगा। वो क्या है ना, दादी की तबीयत खराब है तो माँ मीटिंग में नहीं आ सकती, और मीटिंग में सभी घर के लोगों का शामिल होना जरूरी है। यदि हमारे घर के 2-3 सदस्य मीटिंग में से गायब रहे तो तुझे पता ही है गांव में छोटी सी बात का बतंगड़ बनने में देर नहीं लगती, 500-600 रुपए का और जुर्माना लगा देंगे। कायर बौखलाहट के साथ कहता है, फिर तो मुझे भी मीटिंग में चलना होगा, मेरे घर वाले भी दूसरे गांव में एक शादी में गए हैं। कछुआ कहता है, हाँ वो तो चलना ही होगा, वरना अगला जुर्माना तेरे घर वालों के ऊपर ही लगेगा। अभिमन्यु झट से कहता है, फिर मुझे भी चलना पड़ेगा यार, मेरे घर में भी कोई नहीं है, माँ बाहर गई हुई है बुआ के पास, ये गांव वाले भी ना पता नहीं कब मीटिंग रख देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, अरे मीटिंग का तो 2-3 दिन पहले ही तय हो गया था कि होनी है, बस हमें ही नहीं पता था। पता भी कैसे होगा, तुम लोग इस ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर भी निकलते हो क्या? जो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है पता चलेगा। युग उन तीनों के बीच में बोल पड़ता है, ठीक है फिर तुम तीनों निकलो मीटिंग के लिए, मैं यहीं रुकता हूँ। कायर फटाक से कहता है, अरे तू यहाँ पर अकेले रुक कर क्या करेगा, तू भी हमारे साथ चल, इसी बहाने देख लेना गांव में मीटिंग किस तरह से होती है। कछुआ खुश होते हुए कहता है, हाँ यार चल, बड़ा मजा आता है। एक और खास बताऊं, गांव की लड़कियां भी आती हैं मीटिंग में, वहीं पर पता चल जाता है कि गांव की कौन सी लड़की जवान हो गई है। युग का मन तो कर रहा था मीटिंग में जाने का, पर उसके मन में उसके बड़े पापा दिलीप का ख्याल आ रहा था। युग जानता था कि दिलीप भी उस मीटिंग में होगा और वो दिलीप का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, इसीलिए मना करते हुए कहता है, नहीं यार मेरा मन नहीं है, तुम तीनों जाओ। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, अरे चल ना, यहाँ पर अकेले क्या करेगा, तुझे तेरा वो ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप भी तो शुरू करना है ना, उसके लिए तो तुझे गांव का दौरा करना ही पड़ेगा ना, तो इसी बहाने गांव भी घूम लेना। युग हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ वो तो ठीक है पर। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे बीच में टोकते हुए कहता है, अरे परवर क्या ऐसे लड़कियों की तरह नाटक क्या कर रहा है, चुपचाप चल ना, कहीं तुझे इस ग्रेवयार्ड कोठी में अकेले में रहने में मजा तो नहीं आता, कहीं फिर से यामिनी को तो नहीं बुलाने वाला हमारी गैर हाजिरी में रात की तरह। युग धीरे से कहता है, नहीं यार वो तो खुद ही आ गई थी कल, मैंने कहाँ बुलाया था। अभिमन्यु झट से कहता है, तो फिर चल ना, तू वो यक्षिणी के बारे में भी बता रहा था ना, कह रहा था कि यामिनी ने तुझे अलग अलग यक्षिणियों के बारे में बताया है, तो रास्ते में उनके बारे में भी बता देना, बातें करते हुए जाएंगे तो कब रोंका मुचा गाँव पहुंच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। युग अभिमन्यु की बात मानते हुए कहता है, तू नहीं मानने वाला ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है, चल फिर। युग और उसके दोस्त रोंका मुचा गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। एक तरफ युग और उसके दोस्त रोंका मुचा गांव जाने के लिए निकल गए थे तो वहीं दूसरी तरफ वर्चस्विनी मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन में अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी
और अपने मोबाइल में किसी के साथ वीडियो कॉलिंग में बात कर रही थी। चार्ली उस वक्त वहां पर नहीं था। वर्चस्विनी के मोबाइल में से करीब 6-7 साल की बच्ची की आवाज सुनाई देती है। मम्मा मम्मा, आप कब आओगी घर? हमें आपकी बहुत याद आ रही है। मोबाइल में जो बच्ची दिख रही थी वो बहुत ही मासूम थी। मासूमियत उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। झलकती भी कैसे नहीं, बच्चे होते ही हैं मन के सच्चे। वर्चस्विनी बड़े ही प्यार से कहती है, बेटा मम्मा को भी आपकी याद आ रही है, आपकी मम्मा आपसे मिलने रात में आ जाएगी। वो बच्ची नाराज होते हुए कहती है, मम्मा आपने कल रात भी यही बात बोली थी पर आप नहीं आई थी। वर्चस्विनी अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है, बेटा आपको तो पता है ना आपकी मम्मा को कितना काम रहता है, पर आप नाराज मत हो, आपकी मम्मा आज आपसे मिलने पक्का आएगी और आपके लिए आपकी फेवरेट चॉकलेट भी लेकर आएगी। ये बात सुनकर वो बच्ची खुश हो जाती है और अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, पक्का मम्मा, प्रॉमिस? हाँ बेटा पक्का प्रॉमिस, पर पहले आप भी प्रॉमिस करो कि अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लोगे और अपने नाना नानी को ज्यादा परेशान नहीं करोगी, रात में जल्दी सो जाया करोगी। आपकी बहुत शिकायतें सुनने को मिल रही है मुझे, सुना है आजकल आप रात रात भर नहीं सोती, ऐसा क्यों बेटा? जैसे ही वर्चस्विनी ये बात बोलती है उसकी बेटी के चेहरे पर खौफ नजर आने लगता है। ये बात सुनकर वो बच्ची कांपने लग गई थी। वर्चस्विनी ये बात नोटिस कर लेती है और हैरानी के साथ पूछती है, क्या हुआ बेटा, आप इतना घबरा क्यों रही हो? कुछ बात है क्या जो आप मुझे बताना चाहती हो? बताओ बेटा, आप रात रात भर क्यों नहीं सोती हो, जागती क्यों रहती हो? वो बच्ची हिचकिचाते हुए कहती है, वो मम्मा मुझे ना इस कमरे में। वर्चस्विनी अपनी बच्ची से बातें कर ही रही थी कि तभी पुलिस स्टेशन में चार्ली आ जाता है। जैसे ही वर्चस्विनी की नजर चार्ली पर पड़ती है वो अपनी बेटी को बीच में ही टोकते हुए कहती है, अच्छा बेटा मम्मा को ना एक अर्जेंट काम आ गया है, मम्मा आपसे घर पर आकर अच्छे से बात करेगी। इतना कहकर बिना अपनी बच्ची को बाय किए हुए वर्चस्विनी झट से फोन कट कर देती है। वर्चस्विनी के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं चाहती थी कि चार्ली को पता लगे कि वो अपनी बच्ची से बात कर रही थी, पर चार्ली भी चार्ली ही था। उसने वर्चस्विनी और उसकी बच्ची की बीच की कुछ बातें सुन ली थी। चार्ली मन ही मन सोचता है, ये मैडम जी भी ना कमाल है, देखो मुझे देखते से ही फोन कट दिया, मेरी भी बच्ची से बात करवा देती तो क्या हो जाता इनका, इन्हें क्या लगता है कि मुझे इनकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इनके भी सब कर्म कांड पता है, मुझे चार्ली कहते हैं मुर्दों की जन्म कुंडली निकाल लेता हूँ मैं, तो फिर ये वर्चस्विनी मैडम क्या चीज है। चार्ली को काफी देर से दरवाजे पर ही खड़ा देखकर वर्चस्विनी गुस्से से उसे टोकते हुए कहती है, चार्ली अब दरवाजे पर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? चार्ली हड़बड़ाहट के साथ अंदर घुसते हुए कहता है, जी जी मैडम जी आया। जैसे ही चार्ली अंदर घुसता है वर्चस्विनी उस पर सवालों की बौछार कर देती है, ये बताओ इतने लेट क्यों आ रहे हो, मोहित के केस के सिलसिले में कोई अपडेट लेकर आए हो या फिर खाली हाथ आ गए हमेशा की तरह? चार्ली अपने चेहरे पर चतुर मुस्कान लाते हुए कहता है, मैडम जी अपडेट ही लेने तो गया था, तभी तो देर हो गई, ऐसी बढ़िया अपडेट लेकर आया हूं ना जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगी, आप भी अपने आप को मेरी तारीफ करने से रोक नहीं पाओगी। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, तारीफ करनी है या नहीं करनी है वो बाद में डिसाइड करेंगे चार्ली, पहले ये तो बताओ क्या अपडेट लेकर आए हो। मैडम जी आपने कहा था ना कि जिस रात मोहित का खून हुआ था उस रात की कछुआ और कायर के मोबाइल की लोकेशन का पता करना है। वर्चस्विनी तपाक से कहती है, हाँ बोला था तो पता किया? हाँ मैडम जी, जिस रात मोहित का खून हुआ था ना उस रात कायर और कछुआ भी बंगला मुड़ा घाट पर ही थे, उनकी मोबाइल की लोकेशन से ये बात पता चली है। तो मेरा शक सही निकला, इसका मतलब है कि मोहित का खून कायर और कछुआ ने किया है। ये बताओ कितने बजे के आसपास थे ये लोग बंगला मुड़ा घाट पर और कब तक थे? मैडम ये लोग करीब 4 बजे के आसपास थे बंगला मुड़ा घाट पर और सुबह तक वहीं पर थे। एक और चीज, इन दोनों ने ही सबसे पहले रतनपाली को ये बात बताई थी कि उसके बेटे की मौत हो गई है। क्या? हाँ मैडम जी, है ना हैरान करने वाली बात, पहले खुद ही खून करो और फिर खुद ही उसके घर वालों को उसकी मौत के बारे में बताओ। वर्चस्विनी मोहित के खून और कायर और कछुए के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है और वो झट से चार्ली से पूछती है, चार्ली क्या बोला था तुमने कि कायर और कछुआ 4 बजे के बाद बंगला मुड़ा घाट पर पहुंचे थे? हाँ मैडम जी, वो लोग 4 बजे के बाद ही बंगला मुड़ा घाट पर पहुंचे थे। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, क्या 4 बजे से पहले उन दोनों का मोबाइल एक भी बार स्विच ऑफ हुआ था, करीब 3 बजे के बाद या उससे पहले? नहीं मैडम जी, उससे पहले तो उनकी लोकेशन रोंगकामुचा गांव के ही दारू के ठेके पर थी, वो लोग 4 बजे के बाद ही बंगला मुड़ा घाट पर पहुंचे थे, पर हाँ 5 बजे के आसपास ये कछुआ का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और फिर इन्होंने कायर के मोबाइल से रतनपाली को फोन करके उसके बेटे की मौत की खबर दी थी। पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है?
मैं ये सब इसलिए पूछ रही हूँ चार्ली, क्योंकि मुझे मोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अच्छे से याद है। मैंने उसे 2-3 बार पढ़ा था। उसके मुताबिक मोहित का खून 3 से 3:30 के आसपास हुआ था। अगर मोहित का खून 3 से 3:30 के आसपास हुआ था तो फिर कछुआ और कायर मोहित का खून कैसे कर सकते हैं? वो तो 4 बजे वहां पर पहुंचे थे ना। चार्ली अपना बड़ा सा मुंह फाड़ते हुए कहता है, हाँ मैडम जी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। अब पता चला क्यों आप बड़ी पोस्ट पर हैं और मैं छोटी पर। मैडम जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये कायर और कछुए ने मोहित का खून नहीं किया था तो फिर किसने किया था? वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, मैंने तुम्हें सुधा पर भी नजर रखने के लिए बोला था, रखी थी क्या? हाँ मैडम जी, रखी थी ना। ऐसी नजर तो मैं अपनी बीवी पर भी नहीं रखता जितनी सुधा पर टिका कर रखा था। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप बेवजह उस पर शक कर रही हैं। सती सावित्री की तरह है। सच कहूं तो मेरा तो ना दिल आ गया है उस पर। आप ये बात मेरी पत्नी को मत बताना, वरना मेरी खैर नहीं। अगर मेरी शादी नहीं हुई होती ना तो मैं सुधा से ही शादी कर लेता। वर्चस्वी चार्ली को घूरते हुए कहती है, ऐसा क्या जादू कर दिया सुधा ने तुम पर चार्ली कि तुम उससे इतने इंप्रेस हो गए और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो गए? वो खूबसूरत है इसलिए? नहीं मैडम जी, खूबसूरती का क्या है, वो तो एक ना एक दिन चले ही जाएगी। पर इंसान का मन साफ होना चाहिए, और वो सुधा का दिल तो 24 कैरेट के गोल्ड की तरह है। आप ही बताइए, उसका पति कितना जुल्म करता था उस पर, कितना मारता पीटता था उसे, पर उसके मरने के बाद उसके पति की आत्मा को शांति मिले इसलिए दोनों टाइम मंदिर जाती है, पूजा अर्चना के लिए व्रत भी रखती है। और एक मेरी पत्नी है जो जीते जी मेरे लिए एक व्रत तक नहीं रखती, वो करवा चौथ का व्रत रखती है, वो भी इसलिए क्योंकि उसे नई वाली साड़ी चाहिए होती है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सुधा बस सुबह और शाम 2 टाइम घर से निकलती है, और वो भी मंदिर जाने के लिए? हाँ मैडम जी। वर्चस्विनी झट से चार्ली पर अगला सवाल दाग देती है, तुमने 24 घंटे उस पर नजर रखी थी ना, एक भी पल उससे नजरें हटाई तो नहीं थी ना? चार्ली शर्माते हुए कहता है, 24 घंटे उस पर कैसे नजर रखता मैडम जी, आखिर मैं भी एक फैमिली वाला आदमी हूँ, मुझे भी घर पर जाकर अपनी पत्नी को खुश करना पड़ता है। इतना कहकर चार्ली अपनी नजरें चुराने लग जाता है और कहता है, पर मैंने जाटव को बोल दिया था, उसकी पत्नी मायके गई है ना, इसलिए रात में वही उस पर नजर रखता था। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, मतलब दिन में तुम उस पर नजर रखते थे और रात में जाटव, एक ही काम को 2 लोग कर रहे थे। इतना कहकर वर्चस्विनी चुप हो जाती है। वर्चस्विनी का चेहरा देखकर चार्ली समझ जाता है कि जरूर वर्चस्विनी के दिमाग में कुछ न कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही थी। चार्ली से रहा नहीं जाता और वो अगले ही पल पूछ लेता है, आपके दिमाग में अब क्या चल रहा है मैडम जी? वर्चस्विनी अपने सिर के कैप को ठीक करते हुए कहती है, जिस तरह चार्ली तुम और जाटव 2 टीम में बंटकर एक काम को अंजाम दे रहे थे, तो ये भी तो हो सकता है कि मोहित का खून भी 2 टीमों ने अंजाम दिया हो। चार्ली हैरानी के साथ पूछता है, कौन कौन सी 2 टीमें मैडम जी, और किसकी? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।